बादाम आकार में भले ही छोटे हों लेकिन पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। नट्स की श्रेणी में बादाम भी शामिल है। बादाम का वैज्ञानिक नाम प्रूनस डेलिशियस प्रूनस एमाइगडेलस है। ये एक तरह का मेवा ड्राई फ्रूट्स है। इसे कई भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बादाम को केक, कुकीज, नॉगेट, कैंडीज, स्नैक बार के साथ साथ डेजर्ट पर टॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बादाम से मक्खन, दूध और तेल भी तैयार होता है। इसमें मौजूद गुणों की वजह से आयुर्वेद में भी बादाम को अहम माना गया है। इसी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग भी प्रतिदिन बादाम खाने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है और कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक समस्या के लक्षण दूर हो सकते हैं। आइए जानें बादाम खाने के फायदे। पहला, दिल के रोगों के लिए। बादाम के गुण के कारण इसका सेवन हृदय को स्वस्थ रखने के लिए किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में प्रकाशित एक शोध में भी होती है। दरअसल बादाम का सेवन करने से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल LDL-C को कम किया जा सकता है। ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोलेस्ट्रॉल है जो हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। साथ ही बादाम के सेवन से शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल HDL-C के स्तर को संतुलित रखा जा सकता है। ये हृदय के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज़ के लिए। बादाम में फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट और लो कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी यानी कम ग्लूकोज वाला खाद्य पदार्थ है। ऐसे में माना जाता है कि बादाम का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ मधुमेह के जोखिम से बचा जा सकता है। इस वैज्ञानिक अध्ययन दौरान पाया गया है कि सुबह नाश्ते में बादाम को शामिल करने से ब्लड ग्लूकोज का स्तर कम हो सकता है। तीसरा, याददाश्त के लिए। याददाश्त बढ़ाने और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बेहतर करने में भी फायदे बादाम के हो सकते हैं। बादाम का सेवन करने से बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होती याददाश्त और मस्तिष्क से जुड़ी न्यूरोडेजनरेटिव बीमारी से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए इसमें पाए जाने वाले टोकोफेरोल, फॉलेट, मोनो व पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीफेनॉल्स मददगार हो सकते हैं। ये पोषक तत्व उम्र से संबंधित कॉग्निटिव डिसफंक्शन याददाश्त कमजोर होना को रोकने का काम कर सकते हैं। चौथा, वजन घटाने में। अनेक पोषक तत्वों से प्रचुर बादाम वजन घटाने में भी अत्यंत सहायक है। इसका थोड़ा सा ही सेवन करने से आपका पेट भर जाता है और आप ज़्यादा खाने से बच जाते हैं। साथ ही में जिंक और विटामिन बी मौजूदगी की वजह से आपका शुगर खाने का भी कम मन करता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के यूरोपीय जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लोग 1.5 औंस बादाम रोजाना नियमित रूप से 4 हफ्तों के लिए खाते हैं उनके वजन में काफ़ी अच्छा सुधार पाया गया है। पाँचवा, गैस के लिए। चूँकि बादाम फाइबर से भरपूर होते हैं ये न केवल कब्ज से राहत दिलाते हैं परंतु कब्ज से बचाव भी करते हैं। इसका सेवन करने से कॉलन कैंसर होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। अच्छी मात्रा में तेलीय पदार्थ होने की वजह से ये सीने में जलन का भी एक सक्षम उपचार है। रोजाना रात में बादाम भिगा दें और सुबह सुबह खाएँ। इससे कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी और एसिडिटी व पेट में सूजन जैसी परेशानियां भी नहीं रहेंगी। छठा, स्किन के लिए। बादाम न केवल त्वचा को पोषित, सुंदर, जवां और झुर्रियों से मुक्त रखता है अपितु ये त्वचा के रंग को भी निखारता है। इसके तेल से त्वचा की मसाज करने से सनबर्न और अन्य त्वचा संबंधित विकारों को भी कम किया जा सकता है। अच्छी बात तो ये है कि बादाम के तेल से मसाज करने से आपकी त्वचा तेलीय नहीं बनती और ना ही पिंपल्स होने का खतरा रहता है। इसके लिए सरसों, बादाम, वचा तथा सेंधा नमक को पीसकर चेहरे पर लेप लें। इससे चेहरे की झुर्रियां, झाइयां मिटती हैं। सातवां, बालों के लिए। एक बादाम अनेक बालों की समस्याओं का हल है, चाहे वो बाल झड़ने की समस्या हो या रूसी की। बादाम विटामिन ई, बायोटीन, मैग्नीज, तांबा, फैटी एसिड जैसे बालों के लिए अनुकूल पोषक तत्वों से भरपूर है।
बादाम में निहित जिंक नई कोशिकाओं के नवीकरण को बढ़ाता है, बालों के झड़ने से बचाता है और उन्हें मजबूत व घना बनाने में योगदान देता है। इसके तेल से मालिश करने से आपके बाल सुनहरे व लंबे भी होते हैं। लेवेंडर के तेल के साथ मिलाकर सिर की मसाज करने से दो मुहे बाल कम होते हैं, रूसी समाप्त हो जाती है और बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। महिलाएं बालों में जुए होने के कारण बराबर परेशान रहती है, ऐसे में बादाम का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। कड़वे बादाम को पीस कर सिर पर लेप करें। आठवां, आंतों के लिए। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में आंतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आंतों के स्वस्थ रहने पर पेट भी स्वस्थ तरह से काम करता है। जो लोग आंतों से संबंधित रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें बादाम को अंजीर के साथ पीस कर खाना चाहिए, इससे आंतों की समस्याएं ठीक होती हैं। नौवां, हड्डियों के लिए। हड्डी के स्वास्थ्य के दो पोषक तत्व अत्यंत आवश्यक होते हैं, फास्फोरस और कैल्शियम, और बादाम में दोनों ही अच्छी मात्रा में निहित है। इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज और पोटेशियम भी है, जो स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य हड्डी से संबंधित रोगों से बचने के लिए रोजाना साबुत बादाम खाएं या फिर बादाम वाला दूध पिएं। छोटे बच्चों की बादाम के तेल से मालिश करने से उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। दसवां, कोलेस्ट्रॉल के लिए। नियमित रूप से बादाम खाने से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रण में रहता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ावा मिलता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में 2002 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि बादाम खाने से LDL कोलेस्ट्रॉल को 15% तक कम कर सकते हैं। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से छिलके रहित और छिलके सहित बादाम खाने के फायदे में कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण को शामिल किया जाता है। अब जानते हैं बादाम खाने का सही तरीका। विशेषज्ञों के माने तो बादाम को खाने का सही तरीका रात में भिगाकर सुबह खाना है। ऐसा करने से सुबह ये नर्म होने के साथ साथ चबाने में आसान भी हो जाता है। इसके अलावा आपके शरीर को बादाम पचाने में आसानी होती है। दोस्तों, बादाम खाने के फायदे के साथ कुछ नुकसान भी हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, बहुत अधिक मात्रा में बादाम का सेवन करने पर इसकी मात्रा शरीर में 1000 मिलीग्राम तक पहुंच सकती है, जिससे डायरिया, मोटापा और आंखों में धुंधलापन, सिर दर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सेकेंड, ज़रूरत से ज़्यादा बादाम का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो आपके शरीर के में टॉक्सिक लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि कड़वे बादाम में हाइड्रोकाइनिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को धीमा करना और सांस संबंधी बीमारियों को भी पैदा कर सकती है, जो कि शरीर के लिए घातक हो सकता है। थर्ड, ज़्यादा बादाम खाने से शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, जिससे एलर्जी और अन्य स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ, बादाम में ऑक्जेलेट होता है, ज़्यादा मात्रा में खाने से किडनी की समस्या बढ़ सकती है। फिफ्थ, इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है, अधिक मात्रा में खाने से फूड पॉइजनिंग की संभावना भी बनी रहती है। सेवेंथ, बादाम की तासीर गर्म होती है, ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट की गर्मी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो से जुड़े कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।